पटना के गांधी मैदान में राजद की जन विश्वास महारैली के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से निकल के आ रहा है। अगर यूपी और बिहार मिलकर 120 सीट हरा देंगे तो भाजपा का क्या होगा। सपा मुखिया ने कहा कि जनता ने भरोसा करके उन्हें बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उनको बेरोजगारी दे दी है। अखिलेश ने कहा कि एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग इनका मुकाबला ना कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर बिहार तक भाजपा बाहर होगी। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन